तेल चलाते बोला ना जी। तेल मना जान की बताइए, घृत में और तेल में क्या अंतर है? घृत की कीमत में और तेल की कीमत में इतना अंतर क्यों रहा और है? हैं? घृत में तो ये समझा नहीं, घृत माने घी प्योरिटी, और तेल माने प्योरिटी या इम्प्योरिटी। तेल को प्योर बनाने के लिए रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बावजूद भी उसकी कीमत घी के इतनी नहीं होती। क्यों? तेल तेल ही है और घी घी है। घी सार से निकाला जाता है या दूध रूपी या दही रूपी विस्तार से निकलता है? पहले दूध और दही का सार निकाला जाता है, फिर सार को भी गर्म करके घी निकालते हैं। और तेल, तेल सार से निकलता है क्या? नहीं, सीधा ही विस्तार से तेल निकल आता है। तेल की प्योरिटी में और घी की प्योरिटी में जमीन आसमान का अंतर? जाता में पानी का अंश होगा तो जरूर चिपकेगा, और अच्छी तरह से तपाया हुआ होगा तो घी चिपकता नहीं है। मिक्सचर की होगी तो चिपकेगा, और मिक्सचर की नहीं होगी तो नहीं चिपकेगा। शक्ति लेकिन एक होती है विकारी शक्ति और एक होती है बुद्धि को शुद्ध बनाने वाली शक्ति। घी में भी वैरायटी होती है, भैंस का घी, भैंस बुद्धि में और गाय की बुद्धि में क्या अंतर होता है? अंतर तो जरूर होता है। जैसा भोजन खाएंगे वैसी बुद्धि बनेगी। भेड़ का भी घी होता है, भेड़ बकरी का दूध बुद्धि कैसी बनाएगा? भेड़ बकरी जैसी बुद्धि बनाएगा। जानवरों का मांस खाते हैं उनकी बुद्धि देखो, और शाकाहारी भोजन खाते हैं उनकी बुद्धि देखो। और बाबा देवता है वॉलमार्ट में चले गए, किस समय कब आए? संगम युग में कब? दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। कोई ऐसी चीज हो जो चार अवस्थाओं से पसार न होती हो तो बताए। देवता हो चाहे क्षत्रिय हो
चाहे वैश्य हो या शूद्र मान के हो, चार अवस्थाओं से पसार होते हैं या नहीं होते हैं। तो देवता वर्ण की आत्माएं भी जो 16 कला संपूर्ण देवता कहे जाते हैं वो भी चार अवस्थाओं से पसार होते होंगे। वो देवताएं कौन से युग के हैं, असल में कौन से युग के हैं? सत्य युग के हैं। वो सत्युग के देवताएं भी चार अवस्थाओं से पसार होते हैं, और ऐसे नहीं कि चार युगों में ही चार अवस्थाओं से पसार होते हैं, संगम में भी और स्विचिंग पीरियड में भी चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। नहीं तो टैली करके देख लो, बेसिक नॉलेज से टैली करके देख लो, और जो एडवांस में आए हैं जब से आए हैं लेकर के तब से अब तक देख लो, अवस्था में अंतर आता रहा या नहीं आता रहा? आता रहा। भक्ति भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। पहले भक्ति तत्व प्रधान थी, फिर भक्ति विविचारी तमो प्रधान बनती है। ज्ञान भी पहले तत्व प्रधान, जब भक्ति करने गए तो एक में कितनी श्रद्धा होती है और बाद में उस श्रद्धा विश्वास भावना का बंटवारा होता रहता है, तो अवस्थाएं नीचे आ जाती है। ज्ञान भी एक से सुनेंगे तो अभी भी चारी ज्ञान है, तत्व प्रधान ज्ञान है, और अनेकों की बातें सुन करके धारण किया, जीवन में अपनाया तो ज्ञान भी तमो प्रधान बन जाता है। हाँ, हर आत्मा की धारणा अपनी अपनी अलग अलग है, सभी आत्माएं एक जैसी तमो प्रधान नहीं बनती, और सभी आत्माएं टाइम टू टाइम एक जैसी तमो प्रधान नहीं बनती। नहीं तो असल देवता वर्ण की जो पहला नंबर बीज रूप आत्मा है, देवता वर्ण का पहला बीज और इस्लाम धर्म का पहला बीज, अरे सृष्टि का कोई तो पहला बीज होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। ऐसे ही देवता धर्म का पहला आधार रूप माना जड़ रूप, और इस्लाम धर्म का पहला आधार रूप अर्थात जड़ के ऊपर पाइट बजाने वाला जड़ों के रूप में, इन दोनों के बीच में अगर हम टैली करें तो पहले कौन तमो प्रधान बनता है और लंबे समय के बाद तमो प्रधान कौन बनता है? हाँ, इस्लाम का जो आधार मूर्त जड़ है वो द्वापर के आज से ही तमो प्रधान बन गई, और जो देवता धर्म की जड़ है आधार मूर्त है वो अंतिम जन्म में जाकर के सिर्फ दृष्टि मात्र से तामसी बनती है। तो कितना वास्ट डिफरेंट है।
बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि सतो प्रधान तत्व प्रधान ही रहेगा और तमो प्रधान तमो प्रधान ही रहेगा। देवता धर्म की बीज रूप आत्मा और देवता धर्म का अब्बल नंबर जड़ रूप आधार मूर्त आत्मा, ज्यादा काली और ज्यादा गोरी कौन पार्ट बजाएगी? बीज रूप आत्मा भल लंबे समय तक साक्ष्य के स्टेज में पार्ट बजाए तो भी अंतिम जन्म में सबसे जास्ती तामसी पार्ट बजाने वाली बन जाती है। तो साबित क्या हुआ? कि हर धर्म को चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है और हर आत्मा को चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। हर युग में ये क्रम चलता है, चाहे कोई भी युग में आने वाली आत्मा हो परम धाम से, वो चार अवस्थाओं से पसार जरूर होती है। जो आत्माएं अभी अभी भी उतर रही हैं ऊपर से, वो पहले सतो प्रधान पाइट बजाती है, दुख नहीं भोगती, सुखी आत्मा का पाठ बजाती है। जो सुखी होता है वो दूसरों को भी क्या देता है? सुखी ही देता है। और जो दुखी होता है, खुद ही दुखी है तो दूसरों को क्या बांटेगा? दुखी ही बांटेगा। चाहे संगम युग हो चाहे कोई भी युग हो, संगम युग में शूटिंग होती है चार अवस्थाओं की और युगों में असली ड्रामा होता है, उसे शूटिंग नहीं कहेंगे। शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, ड्रामा में जो ड्रामाबाजी होती है, नाटकबाजी होती है, वो रियल होती है या नकली होती है? जैसे मुरली में बोला बाप विदेशी बन करके आए हुए हैं, तो रियलिटी में विदेशी है या वास्तव में विदेशी है या नाटकवादी है? बनकर आए हैं, इसका मतलब थे नहीं विदेशी, पाठ बजाए रहे हैं विदेशी बनने का। क्यों? हाँ, अगर विदेशी बनने का पाठ न बजाएं तो सब बच्चों से मिल भी नहीं सकते, और पहले से ही पक्का स्वदेशी का मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाएं तो क्या होगा? सारी दुनिया में पहले ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, उनका दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त हो जाता है। और बाबा संगम युग का ड्रामा का रिकॉर्ड होता है ना, वो पहले है और 5000 वर्ष का एक्ट करता है, वो पहले है होता है। नहीं, आगे पीछे नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि जो आत्मा जब श्रीमत पर चलती है तो उसका 21 जन्मों का काउंट होता है, रिकॉर्डिंग का हो शूटिंग का हो,
और जब मन मत या मनुष्य मत पर चलती है तो 63 जन्मों का काउंट होता है। और बाबा अष्टदेव में चार आत्मा ये स्थापनाकारी चार पालनाकारी चार विनाशकारी है। हाँ जी, माने ऐसे नहीं कि कोई आत्मा में स्थापना के ही तरह संस्कार है, पालना की नहीं है या विनाश की नहीं है। हर आत्मा में स्थापना पालना और विनाश के संस्कार होते जरूर है, लेकिन कोई आत्मा में प्रधानता होती है। हाँ, कोई स्थापना करने में प्रधान गुणों वाली है, कोई पालना करने में प्रधान गुणों वाली है, और कोई विनाश करने में प्रधान गुणों वाली है। हाँ जी, तो वही मैंने कहा था विनाशकारी और स्थापनाकारी में फर्क क्या है। ब्रह्मा को कहेंगे कैसा पार्ट, स्थापना का पार्ट। माँ बच्चों के गुणों को अवगुणों को देखने वाली होती है या नहीं होती है? गुणों को ही देखती है, अवगुणों को नहीं देखती। और बाप गुणों को भी देखता है तो अवगुणों को भी देखता है। भारत की परंपरा में विष्णु देवता जो सदैव बाप की सुरक्षा का पार्ट बजाने में स्त्री चोले का पार्ट बजाता रहा, लक्ष्मी रूप धारण करके क्या पार्ट बजाया? बाप की सुरक्षा की भस्मासुर से मोहिनी रूप धारण किया, वो विष्णु का पार्ट है ना। तो ऐसे नहीं है, तो उसमें पालना के ही संस्कार है नहीं, संस्कार तो स्थापना के भी है। पालना के भी है और विनाश के भी कुछ न कुछ संस्कार है, लेकिन बाप के सहयोगी के रूप में है। जो विनाशकारी होता है वो अज्ञानी इसमें होता है, है? जो विनाशकारी होता है वो अज्ञानी इसमें होता है क्या बाप में? अज्ञानी सदैव अज्ञानी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आज में कुछ न कुछ सहयोगी हो और बाद में विरोधी बन जाए। आज में जो सहयोगी होगा तो आदि तो अंत में सहयोगी जरूर बनेगा, बाकी बीच में कहेंगे लंबे समय तक भी विनाशकारी हो सकता है। तो ज्यादा कमाई कौन सी की, डिस्ट्रक्शन की या कंस्ट्रक्शन की? जिस सेक्शन की कमाई ज्यादा की तो पद कहाँ मिलेगा? 21 जन्मों का पद तो मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? आदि में मिलेगा या अंत में मिलेगा? अंत में मिलेगा। बाबा अष्टदेव में पहले 4 को स्थापना करने वाली है, बाद में 4 को थोड़े वो पालना करना, वही 4 है, उसका काम क्या है? उसका काम आदि में थोड़ा सहयोगी बनना और अंत में थोड़ा सहयोगी बनना। आज में भी लेने वाले फर्स्ट और अंत में भी लेने वाले फर्स्ट और बीच में लंबे समय तक विनाशकारी। लेना माने अंत में लेने वाला माने क्या लेना? वर्ष ही लिया जाता है, बाप से क्या लिया जाता है? जो भी एडवांस के आदि में थे सहयोगी विशेष, वो कौन से धर्म की विशेष आत्माएं थी जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन,
लेकिन उसी समय जिस समय उन्होंने सहयोग दिया उसी समय उन्होंने ग्लानी भी कर डाली। सांप क्या करता है? सांप के जन्म देने की पद्धति क्या होती है बच्चों को? नहीं, अंधे की बात वो अलग, जन्म देने की पद्धति। सांप अपने अंडे देता है और अपने अंडों को खा भी जाता है। जो कुंडली के बाहर निकल गए तो निकल गए तो निकल गए, और जो भी अंदर अंडी बच्चे हैं उन सबको खा जाता है, अपना पक्का फॉलोअर बना लेगा। सांप किस बात की यादगार है? पांच विकारों की यादगार। तो ये भी यज्ञ के आदि में थे, सहयोग करने में भी आदि थे। ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि बाप को कौन से बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं? स्वदेशी तो पहचान ही नहीं पाते क्योंकि कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए होते हैं। कौन पहचानते हैं? विदेशी बच्चे ही बाप को पहले पहचानते हैं क्योंकि बुद्धिवादिता में आगे होते हैं, बुद्धि में तीखे होते हैं। श्रद्धा विश्वास और भावना भारतवासियों में ज्यादा होती है या विदेशियों में ज्यादा होती है? भारतवासियों में श्रद्धा विश्वास और भावना ज्यादा होती है, इसलिए भारत माता कहा जाता है। माताओं में श्रद्धा विश्वास भावना ज्यादा होती है या बुद्धिवाद ज्यादा होता है? तो माताओं में ज्यादा होती है। तो वो भगवान के रूप को नहीं पहचान पाते। और विदेशी बुद्धि के तीखे होने के कारण जल्दी पहचान लेते। एक है दिल वाले और एक है दिमाग वाले। बाप को ज्यादा कौन प्रिय है? दिल वाले बच्चे ज्यादा प्रिय है। क्यों? अरे बाप तो खुद ही बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसको कोई क्या बुद्धि देगा? जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है और उसको कोई अपनी बुद्धि की प्रखरता दिखाए तो बाप उसको पसंद नहीं करता। बाप के पास जो चीज नहीं है क्या? दिल नीचे या दिमाग ऊपर? दिमाग ऊपर होता है, दिल नीचे होता है। सुप्रीम सोल बाप है, बुद्धिमानों की बुद्धि आत्मा। वो बाप है आत्माओं का बाप, और जो भी आत्माएं हैं वो सब उस बाप के मुकाबले सब सीताएं हैं। क्या? तुम सब सीताएं हो, चाहे पुरुष को चोला है चाहे स्त्री चोला है, तुम सब क्या हो? तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो। राम बाप है एक, और वो राम बाप भी एक कब है? 84 जन्मों में राम बाप है या सिर्फ संगम युग में राम वाली आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है? संगम युग में भी कब पहचानती है? जब उसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है। तो बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है। जो भी धर्म पिताएं हैं उनको बुद्धू कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे? क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे।
अगर बुद्धू थे तो भारतवासी जीत जाने चाहिए या हार जाने चाहिए? हैं? भारतवासी जीत गए विदेशियों के मुकाबले या हार गए? सब कुछ गंवा दिया या विदेशियों से जीत लिया? हार गए। तो बुद्धू हुए बाप के मुकाबले बुद्धू। अच्छा 63 जन्मों में भारतवासियों के मुकाबले विदेशी क्या हुए? बहुत बुद्धू हुए। हाँ जी, बाप को भोलेनाथ कहा जाता है, है? कि बुद्धिमानों की आकर के सुरक्षा करता है, है? जो भोली बुद्धि वाले हैं, देवताई बुद्धि वाले हैं, साफ दिल हैं, उनको पसंद करता है। और जो दुनिया स्थापन करता है वो दुनिया साफ दिल वालों की दुनिया बनती है या जिनके दिल में कचरा भरा रहता है उनकी दुनिया बनती है? जो साफ दिल होकर के बाप को सच्चा पोता मिल देते हैं उनकी दुनिया बनती है। और बाबा के जो आधार है ना तो वो अंतिम दिन में आगे दृष्टि से गिरता है करके, वो ना दृष्टि से ही गिरता है करके। आधार एक तरह के नहीं है, जैसे बीज एक तरह के नहीं है वैसे आधार भी एक प्रकार के नहीं है। द्वापर में जो अर्ध विनाश होता है, हाँ जी, और कलयुग अंत में पूरा विनाश होता है, हाँ जी, ये दोनों में फर्क क्या है? द्वापर के आदि में जो अर्ध विनाश होता है, आदि में, द्वापर के आदि में जो अर्ध विनाश होता है वो 8 कलाओं का ही विनाश होता है या 16 कला संपूर्ण विनाश होता है? 8 कलाओं का ही विनाश होता है। विनाश तो होता है लेकिन कितनी कला वाला? 8 कला वाला, अधूरा विनाश होता है। 8 फिर भी बच गए। और कलयुग के अंत में विनाश भी 16 कला टोटल विनाश, पूरी ताकत में कुछ भी बचता नहीं, चाहे जड़ अणु हो, चाहे पेड़ पौधों की आत्मा हो, चाहे जड़ जंगम आत्माएं हो, पशु पक्षी की आत्माएं हो, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हो, सब आत्माएं जहां से उतरी हैं अपना सारा साइकिल पूरा करके कहां पहुंचेंगे? वही पहुंचे, उसको कहेंगे संपूर्ण बिना। चक्र होता है ना, ये चक्र है, तो चक्र यहां से शुरू हुआ तो यहाँ तक क्या कहेंगे? गिनती कला ही कहेंगे। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक क्या कहेंगे? गिनती कला ही। दाई ओर का चक्र है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे? बाई ओर का चक्र। अधूरा चक्र कहाँ पूरा हुआ? आधा चक्र हुआ एक तरफ और आधा चक्र हुआ दूसरी तरफ, और दोनों मिला के संपूर्ण चक्र हो। तो पूरा चक्कर चाहिए, चारों अवस्थाओं से पसार होना चाहिए और हर आत्मा को चार अवस्थाओं से पसार होना चाहिए, हर वस्तु को चार अवस्थाओं से पसार होना चाहिए, 5 तत्वों के अणु अणु को चार अवस्थाओं से पसार होना चाहिए, तब कहेंगे संपूर्ण बिना। बाबा दिल्ली में
कृषि चिंतन मंथन चलता है ऐसे दिल वाला दिमाग वाला पड़ता है ऐसे दिल वाला दिमाग वाला का फर्क होता है दिल में कृषि चिंतन मंथन मंथन चिंतन दिल में चलता है या दिमाग में चलता है दिमाग में चलता है ना जिसके दिमाग में मनन चिंतन मंथन ईश्वरीय सरणी के अनुसार चलता है वो दिल वाला बाप का बच्चा है या दिमाग वालों का बच्चा है, है? दिल वाला बाप का बच्चा है और जिसकी बुद्धि में श्रीमत के अनुकूल मनन चिंतन मंथन नहीं चलता मनमत के आधार पर चलता है या मनुष्यों की मत के आधार पर चलता है वो बुद्धिमानों का बच्चा है अनेक बुद्धिमानों का बच्चा है या एक जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसका बच्चा है तो ये अंतर पड़ जाता है अभी इतना ज्ञान मिल रहा है और इतना ज्ञान मिलने के बावजूद भी जिसका मनन चिंतन मंथन ज्ञान के अनुसार चलता ही नहीं अगर चलती भी है बुद्धि तो दुनिया जिस तरह धंधे धोरी में बुद्धि चला रही है वैसी ही बुद्धि चल रही है जो ब्राह्मणों का धंधा है उस धंधे में बुद्धि नहीं चल रही है तो क्या कहेंगे कि पुरुषार्थी जीवन में वो बुद्धिमानों की बुद्धि एक बाप से प्रभावित होकर रहा या अनेकों से प्रभावित होकर रहा अनेकों से प्रभावित हो गया इसलिए दुनियावी तरीके से बुद्धि चल रही अगर बाप से प्रभावित हुई होती बुद्धि और जन्म जन्मांतर एक बाप की प्रजा बन करके रहने वाली जो आत्मा होगी उसकी बुद्धि दुनियावी तरीके से चलेगी या एक बाप जैसे चलाना चाहता है वैसे चलेगी कहां सीखी होगी एक बाप जिस शरण में बुद्धि को चलाना चाहता है मन बुद्धि को घुमाना चाहता है वहां बुद्धि घूमेगी उसका कारण क्या होता है कारण यही होता है कि औरों से प्रभावित होने वाली आत्मा बाप के जो मुख्य डायरेक्शन से है उनको शुरुआत से ही फॉलो नहीं करती ज्ञान में आने के बाद मुख्य डायरेक्शन बाप का क्या मिलता है पवित्र बनो योगी बनो लेकिन बाप की पहचान नहीं है तो पवित्र रहेगा ही नहीं ज्ञान काल में फाउंडेशन से ही अपवित्रता का फाउंडेशन लगाएगी तो बुद्धि कैसी बन जाएगी दुनियावी बुद्धि बनेगी या ईश्वरीय बुद्धि बनेगी दुनियावी बुद्धि बन जाती है मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त होकर चल ही नहीं सकता जीवन संतुलन से संतुलन होते यदि अंत में जाकर के ब्राह्मण हाथी के अंत में जाकर के ब्राह्मण देवता मान्य थे हाथी के प्राप्त कर लेते
संगम युग में आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान हो जाता है शूटिंग में, तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान तामसी बन जाती है, जो बाप के डायरेक्शन से है उनकी अवज्ञा करते करते, ठीक है वो भाई, क्योंकि लौकिक दुनिया में जो पाप करते थे उसका एक गुना पाप बनता था, और यहाँ ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप करते हैं उसका 100 गुना पाप तुरंत चढ़ जाता है। तो जिसके ऊपर 100 गुना पाप का बोझा चढ़ जाएगा, और कहीं खुदा न खास्ता जो पाप किया है उसको छुपा लेता है, तो पाप के ऊपर भी पाप बढ़ता जाता है, दिन दूना रात चौगुना होता जाता है। तो आत्मा तामसी बनेगी या सात्विक बनेगी, और ही तामसी बनती जाती है, पता भी नहीं चलता कि माया रावण सवार हो गया। वो तमो प्रधान बन जाता है फिर अचानक लास्ट में प्रधान कैसा बनता है? अरे यहाँ प्रैक्टिस तो बताई हुई है बाप को याद करने की, प्रैक्टिस में कमी पड़ती है या प्रैक्टिस बढ़ती जाती है? याद की जो प्रैक्टिस है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ रही है लगातार या घट रही है? बढ़ रही है, भले पाप कर्म भी बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस भी बढ़ती चली जा रही, तो अंत में उसका वारा न्यारा हो जाता है। अंत में जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी वो फट से अपने पाप कर्मों को भस्म कर लेगा, वो प्रैक्टिस है साकार में निराकार को याद करने की। क्या याद करने के? जो साकार में निराकार को याद करने के आदि हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाते हैं, उनके मुकाबले जो सिर्फ निराकार बिंदु को याद करने के प्रैक्टिस हो जाते हैं, उन दोनों के बीच में निरंतर याद की प्रैक्टिस किसकी होती है और सहज याद करने की प्रैक्टिस किसकी होगी? जो साकार में निराकार को याद करता है उसकी याद निरंतर हो जाती है और सहज भी हो जाती है। सिर्फ बिंदु को जो याद करते हैं, कोई साकार को नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो देह अहंकार के कारण ऐसा होता है या निरहंकारी के कारण ऐसा होता है? जरूर उनमें भयंकर देवान भरा हुआ है, ज्ञान की सारी बातों को भी मानते हैं, फिर उस साकार को ठुकराते हैं, ग्लानिंग करते हैं। जैसे दुर्योधन बुद्धू था, क्या बुद्धू तो नहीं था, और युधिष्ठिर है वो भी बुद्धू नहीं था, लेकिन अहंकार की दृष्टि से देखा जाए तो अहंकारी ज्यादा कौन था और निरहंकारी ज्यादा कौन था? युधिष्ठिर निरहंकारी था और ये दुर्योधन अहंकारी था, अंदर से समझता था। कि जो भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और जो भी विषम पितामह वगैरह हैं वो उनको विशेष मान देते, मेरे अंदर भी पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, दुर्योधन समझता था लेकिन अहंकार की वजह से नीचे गया। ये देह अभिमान नीचे ले जाता है। देह अभिमान निराकार बाप को पहचानने नहीं देता।
इसलिए जो एडवांस में आ जाते हैं वो एडवांस में भी भले 9 प्रकार के बीज हैं, परंतु फिर भी नंबरवार साकार में निराकार को पहचानने वाले हैं। और जड़ों पर जो बैठे हुए हैं वो जड़ों तक ही सीमित रहते हैं, बीज स्टेज प्राप्त ही नहीं कर पाते। इसलिए नर से नारायण की स्टेज भी नहीं प्राप्त कर सकते। उनके 63 जन्मों के पाप अंत में जाकर के साफ खलास हो जाते हैं। बल बीच बीच में उन्होंने पाप बहुत तेजी से किए, जैसे बताया है भक्ति मार्ग में, काशी करवट खाते थे तो क्या अंतर पड़ जाता था? जन्म का पाप, उनके पिछले जन्म के सारे पाप भस्म हो जाते। और फिर अगला जन्म लेकर जितने पाप भस्म किए हैं उस अगले जन्म में उतने से भी ज्यादा पाप बढ़ जाते, तो भी अंतिम जन्म में जाके रिजल्ट क्या निकलता है उनका? उनमें कौन सी ऐसी शिस्त आ जाती है जो आखिरी जन्म में हाई जंप लगा जाते हैं? जैसे 8-9 विशेष आत्माओं के लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि 100 मणके जो है वो तो फिर भी एक रस चलते हैं, और जो 8-9 है वो बहुत ऊपर नीचे होते हैं। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, अभी अभी अप और अभी अभी डाउन। तो हाई जंप लगाने की प्रैक्टिस ज्यादा किसकी हुई? 8 की होगी या 100 की होगी? 8 की। हाई जंप लगाने की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है। तो समझ में आया कि शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाओं से पसार होने के बावजूद भी, अति तामसी बन जाने के बावजूद भी, कलाहीन आत्मा बन जाने के बावजूद भी ऊंचे कैसे उठ जाते हैं? 1 सेकंड में ब्रह्मा पतित तो क्या बन जाते हैं? विष्णु पावन बन जाते हैं। जब ब्रह्मा बन सकता है, ब्रह्मा पतित विकारी से पावन विष्णु 1 सेकंड में, तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे? ब्राह्मण भी बन सकते हैं, बाकी सब नहीं बन सकते हैं। क्या जिन्होंने राजयोग की प्रैक्टिस की होगी, योग का नाम बहुत बाला है ना, ऐसी पढ़ाई और किसी मनुष्य मात्र ने पढ़ाई नहीं, ये राजयोग की पढ़ाई बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। तो जिन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी दत्तचित्त होकर, रेगुलर स्टूडेंट बनते हुए और पंक्चुअल स्टूडेंट होते हुए, उनके लिए बोला कि जो सुप्रीम सोल बाप टीचर बनकर के आता है, ऐसे बाप सुप्रीम सोल टीचर की जो इज्जत करते हैं, उसकी पढ़ाई की इज्जत करते हैं, बाप उनके ऊपर मेहरबान होता है। और जो क्लास में पंक्चुअली नहीं है, क्लास शुरू हो गया आधा घंटे के बाद आए, 1 घंटे के बाद आए, तो पंक्चुअल कहेंगे, रिगार्ड करने वाला कहेंगे टीचर की पढ़ाई को, या डिसरिगार्ड करने वाला कहेंगे? डिसरिगार्ड करने वाले हो गए। ऐसे ही कभी बाप के क्लास में आए और कभी नहीं आए।
वहाँ जो स्कूल होते हैं दुनिया में वहाँ तो फाइन पड़ जाता है, रोज ना आने वाले कभी एब्सेंट करते हैं तो क्या हो जाता है, फाइन पड़ जाता है। यहाँ बाहर से देखने में तो कोई फाइन नहीं है, पता ही नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई फाइन कर गया। डिस रिगार्ड का सुप्रीम टोटल सुप्रीम टीचर की डिस रिगार्ड करने का भी कोई फाइन पड़ता है, लेकिन वास्तव में इसका भी 100 गुना पाप चढ़ता है। तो आखिरी जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में जो रेगुलर बच्चे हैं और पंक्चुअल बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं, दूसरे पीछे रह जाते हैं। शिव का फॉलोअर्स बनता है शैव, विष्णु का फॉलोअर्स बनता है वैष्णव, फिर भी वैष्णव का बहुत महिमा है हमारा शैव। जो विष्णु के फॉलोअर बनते हैं वो किसके फॉलोअर है वास्तव में, ऐसे के फॉलोअर हैं जो 84 जन्मों में विषय वासना का जीवन बिताता ही नहीं। दुनिया में एक आत्मा ऐसी है जो अभिविचारी जीवन जन्म जन्मांतर का बिताती है। अरे वैरायटी झाड़ है तो वैरायटी झाड़ में कोई ऐसी भी तो आत्मा होनी चाहिए या नहीं, होनी चाहिए। और उसको जो फॉलो करने वाले हैं उनमें भी कोई विशेषता होती है क्या, जन्म जन्मांतर विषय वासना में विचार में जाने वाले ही नहीं। इससे साबित होता है कि वो पावरफुल आत्मा है या कमजोर आत्मा है, जन्म जन्मांतर की जो रानियां हैं वो आधीन रहने की स्वभाव वाली है या स्वतंत्र रहने की स्वभाव वाली है, आधीन रहने की स्वभाव वाली है। बाप आकर के क्या बनाता है, बाप आकर के स्वाधीन बनाता है हम आत्माओं को, उनको कहा जाता है रुद्रमाला के मणके, वो है बाप की माला, वो स्वाधीन स्वभाव की है। और जो वैष्णव के फॉलोअर हैं, विष्णु के पंथी हैं, वो आधीन रहने के स्वभाव वाले, ज्यादा अपने जीवन में सुख राजाएं भोगते हैं चाहे स्वर्ग में और चाहे नरक में, या रानियां ज्यादा सुख भोगती हैं, रानियां ज्यादा सुख भोगती हैं और राजाएं बहुत खून खराबा करते हैं, उतना सुख भोगने की उनको परवाह नहीं, लेकिन उनको स्वाभिमानी की परवाह है। इसलिए मुरली में बोला है 3 मूर्तियों में एक है शेर, एक है बकरी और एक है घोड़ा, कौन सा पसंद है, है? बकरी को तो चाहे जो कान से पकड़ ले बस आधीन बना के ले जाएगा, कसाई पकड़ लेगा तो आधीन बनाएगा,
और कोई श्रेष्ठ पकड़ लेगा तो भी आधीन बना के रखेगा, वो है ही देवता ही स्वभाव। और वो जो रुद्रमाला के मणके है वो देवता ही स्वभाव के नहीं है क्या? वो सदैव देवता बन करके रहने वाले नहीं है। पतितों की लिस्ट है या विश्व के फॉलोअर्स पावन बनकर के रहने वालों की लिस्ट है? कौन सी लिस्ट है? पतितों की लिस्ट है। पतित पावन बाप किसको पसंद करता है? जो सन्यासी बनकर के पवित्र रहते हैं उनको पसंद करता है, या जन्म जन्मांतर गृहस्थी में रह करके पतित बन गए हैं उनको पसंद करता है? गृहस्थियों को पतित, जो पतित पना जाती आ गया उनको पसंद करता है? पवित्र रहना बड़ी बात नहीं है क्या? बड़ी बात है, बाप को पहचानना ही सबसे बड़ा गुण है क्या? ये बाप सबसे बड़ा गुण कौन सा देखते हैं? पवित्र आत्माओं को पहले उठाते हैं या बाप को पहचानने वालों को पहले उठाते हैं? तुम बच्चे में कोई गुण हो या ना हो, बाप को परवाह नहीं। बाप कौन सा गुण देखते हैं कि दुनिया में चाहे जितने अवगुणधारी हैं, लेकिन इन बच्चों में एक गुण विशेष है दुनिया के मुकाबले, क्या? बाप की पहचान। तो खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? अरे वैष्णव पंथी बनते तो सुख ज्यादा उठाते। अरे दुनिया में सुख भोगना ही सबसे बड़ी बात है या स्वाभिमान सुरक्षित बना रहे वो सबसे बड़ी बात है? स्वाभिमानी बन के रहे वो सबसे बड़ी बात है? स्वाभिमान को अहंकार नहीं कहा जाता है। अहंग पैदा होता है पांच तत्वों से, और स्वाभिमान पैदा होता है, स्व कहते हैं आत्मा को, वो आत्मा का अभिमान है। आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चे है। और आत्मा में भूख मारकर कैसे समझा जाएगा? आत्मा में भूख मारकर संस कर जाएगा भक्ति मार्ग का? हाँ कैसे समझ जाएगा? कहेगा कुछ और करेगा कुछ और, ये सबसे बड़ी पहचान है। इसकी एक्ट से पता लग जाएगा, ये ज्ञान युक्त एक्ट नहीं करेगा। कथनी और करनी में भक्तों में बहुत अंतर हो जाता है, और ज्ञानी जो होगा जो सोचेगा तो बोलेगा, और जो बोलेगा तो करके भी दिखाएगा। बाबा त्रेता के अंत में अर्धविनाश होता है ना? हाँ जी, सत्य त्रेता में तो सब देवता ही पावन होते हैं, फिर आधा विनाश होकर के कैसा? जी वो क्यों दुख भोगना पड़ता है? विनाश होने के बाद थोड़ा लोग तो मरेंगे ना? तराजू होता है, तराजू में कभी बैलेंस बिगड़ता है? बैलेंस कब बिगड़ जाता है? एक तरफ भारी हो जाता है और दूसरी तरफ हल्का हो जाता है। तो आत्मा की जो 16 कलाएं हैं, त्रेता के अंत में जो भी आत्माएं हैं वो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है या बैलेंस में ही बनी रहती है?
सबका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो असल से सभी आठ बन जाते हैं ना, बैलेंस बिगड़ गया ना। बैलेंस बिगड़ा तो नीचे की दुनिया में आ गए ज्यादा लोग, नीचे की दुनिया तो ऊपर से जो उतरेंगे वो और ही ज्यादा नीच उतरेंगे कि श्रेष्ठ उतरेंगे, और ही ज्यादा नीच उतरते हैं और उनकी संख्या बहुत कई गुनी होती है। सब जीतने वाला माने कुमारी की दादा बाहू जगदीश भाई वो सब चलिए चौधरी के बाद बीज रूपाता हूँ मैं प्रवेश करके, ठीक है वो एडवांस नॉलेज का वो बोल रहे हैं वो कैसे चलिए चौधरी तक वो सब भूल गया भक्ति मार्ग में जो गुरु बन करके बैठे हुए गद्दी नसीने हैं वो मान मर्तबा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और मान मर्तबा लेते हुए भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संग में जब आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो उनके अंदर से ये आता है कि हाँ ये सत्य है। दुनियावी गुरुओं को सन्यासियों को ये बुद्धि में बैठता है कि वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, अच्छी तरह बुद्धि में बैठता है लेकिन अपने मान मर्तबे को छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि लोकलाज में बंध जाते, उनका देह अभिमान जो मान मर्तबे की दुनिया है वो छोड़ के नहीं देता। ये तो दुनिया वाले गुरुओं की बात हुई, अब दुनिया में जो गुरु हैं उनका जो स्वभाव संस्कार है वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज के गुरु हैं मान मर्तबा लेने वाले हैं लोकलाज में बने हुए वो बुद्धिमान है या बुद्धू है, सच्चाई को पहचानने वाले हैं या जानबूझ करके सच्चाई को छुपाने वाले, जानबूझ करके छुपाने वाले। उनको बोला है गुरु कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, वो रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग जो गद्दियों पर बैठे हुए मान मर्तबा भोग रहे हैं। ये गुरु लोग जैसे रावण के लिए गायन है शास्त्रों में, अंदर से जानता था भगवान कौन है, जानता था या नहीं, जानता था, फिर भी देह अहंकार के कारण स्वीकार नहीं करता था कि ये भगवान है। क्या अहंकार था को, क्या अहंकार था, वो अहंकार था अगर भगवान है तो हमसे टक्कर ले, हमारे मान मर्तबा को नीचे झुका के दिखाए, हमारे पास जो धन संपत्ति है उस धन संपत्ति मान मर्तबा वैभव के मुकाबले ये क्या है, कुछ भी नहीं है। उसका अहंकार चढ़ गया, जब शरीर छूट जाता है तो धन रह जाता है ना, मान मर्तबा रह जाता है ना, मर्तबा रह जाता है, अंदर से वो आत्मा समझती तो है, वो लोकलाज के बंधन में बंध के रहती है या उससे मुक्त हो जाती है, लोकलाज के बंधन से मुक्त हो जाती है। और जो लोकलाज के बंधन से जो आत्मा मुक्त हो गई तो ज्यादा सेवा करेगी, ईश्वरीय सेवा ज्यादा करेगी या कम करेगी, ज्यादा सेवा करेगी। और जब उसकी बुद्धि में प्रवेश करने के बाद एडवांस नॉलेज पक्की बैठ जाएगी
तो और ज्यादा सेवा करें। जब तक पूरी नॉलेज नहीं बैठती है तो थोड़ा बहुत अपोजिशन भी कर सकती है, जैसे अभी आत्मा प्रवेश करती है एडवांस वालों में, तो कब तक अपोजिशन करेंगी? जब तक पूरी बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठी है। अब जब पूरी बात बैठ जाती है तो अपोजिशन की बजाय सपोर्ट करेंगे। अंत में ऐसा ही होने वाला है, दुनिया में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अकाल मौत लगातार बढ़ रही है या घट रही है? अकाल मौत बढ़ती चली जाएगी। लगातार भूकंप होंगे तो बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी सारी गिरेंगी, तो अकाल मौत बढ़ेगी। वो आत्मा कहाँ जाएंगे? उनका उद्धार कहाँ से होगा? ये ही बीज रूप आत्माएं हैं जिनके द्वारा उनका उद्धार होना है। इसलिए एक एक में अनेक अनेक प्रवेश करेंगे, परंतु जो आत्म की स्थिति के पक्के होंगे वो उनके प्रभाव में आने वाले नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ईश्वरीय ज्ञान का पूरा प्रभाव चढ़ा हुआ है, तो उनकी प्रजा भी बनने वाले नहीं है। जो आत्म की स्थिति में टक्के होंगे उनके ऊपर उन आत्माओं का प्रभाव हो जाने सवारी कर लेंगी, और सवारी करके कुछ समय तक जब तक वो सच्चाई को पूरा नहीं समझती है, एडवांस की गहरा ज्ञान की गहराई को पूरा नहीं समझती है, तब तक विरोध करती रहेगी, बाद में सहयोगी बन जाएगी। जो आत्मिक स्थिति में पक्का हो जाएगा उनमें प्रवेश नहीं होगा वो आत्मा। जो आत्मिक स्थिति का पक्का होगा, बीज रूपी स्टेज में होगा, उसमें सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करने का रास्ता मिलेगा? बिंदु रूपी स्टेज, कारण स्टेज। एक है झाड़, उसको कहते हैं बड़ा विस्तार। एक होता है जड़, उतना विस्तार नहीं है लेकिन सारे वृक्ष का आधार है, और एक उन जड़ों का भी बीज, ज्यादा पावरफुल कौन है? बीज ज्यादा पावरफुल। तो जो आत्मिक स्थिति जिनकी पक्की हो चुकी है, इतनी पक्की हो चुकी है कि एक सेकंड में निराकारी स्टेज जब चाहे तब, एक सेकंड में मनन चिंतन मंथन की स्टेज जब चाहे तब, और एक सेकंड में साकारी स्टेज जब चाहे तब, और जितनी देर चाहे तब तक साकार इंद्रियों से सुख भोगने वाले। फिर जैसे ही आक्रमण हो साकार से क्या बन जाए? एकदम निराकार स्टेज धारण कर ले। तो ऐसी आत्माएं जो परफेक्ट प्रैक्टिस वाली होंगी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, बाप दादा ने कौन सी प्रैक्टिस करने के लिए बोला? यही तो प्रैक्टिस करने के लिए बोला। अव्यक्त बनो, शुरुआत में तो बहुत ही बोलते थे अव्यक्त बनो, आकारी बनेंगे तो भी अव्यक्त हैं, और निराकारी बनेंगे तो भी अव्यक्त हैं, व्यक्त भाव से परे। जो स्टेज इन आंखों से नहीं देखी जाती है, तो ऐसी स्टेज वाली आत्माओं को वो भूत प्रेतानी आत्माएं डिस्टर्ब भी नहीं कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे भी होगा
ये प्राण भी हरण करके ले जा देंगे। फिर भले बाद में उनको पता चलेगा कि अरे जिनके साथ हमने ऐसा दुष्कर्म कर लिया कि इनको आप समान सूक्ष्म शरीरधारी बना तो लिया, लेकिन ये तो बीज है, ये सदाकाल सूक्ष्म शरीरधारी बनकर नहीं रह सकता, ये तो हमारा भी बाप है। वो बीज रूप आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद के ऊपर का बीज हो जाएगी, क्योंकि बीज रूप आत्मा है। उसने जो ज्ञान लिया है वो कौन सा ज्ञान लिया है? ऐसा एडवांस ज्ञान लिया है जो इसी जन्म में पढ़ाई की पूरी प्रारब्ध देना सिखाता है। इसी जन्म में नर से नारायण बनने का ज्ञान लिया है, और उन आत्माओं में अगले जन्म में, कई जन्म में, अगले जन्म में, तो पढ़ाई की गति एक तो वो आत्मा जो सूक्ष्म शरीरधारी है ऑलरेडी, और दूसरी वो आत्मा जो बीज रूपी स्टेज वाली है। भले थोड़े समय के लिए बीज रूपी स्टेज उनकी चली जाएगी क्योंकि अकाली मौत हुई है, लेकिन ज्यादा पावरफुल बन जाती है, तो वो उनके ऊपर जल्दी विजय पा लेंगे और फिर दोबारा जन्म लेकर के तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि मुरली में महावाक्य आया है, मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना कौन से स्वर्ग में आ जाएगा? नंबर वार स्वर्ग में आवेगा या अव्वल नंबर स्वर्ग में आवेगा? बाप ने कौन से स्वर्ग में आने का वरदान दिया? अव्वल नंबर स्वर्ग में आ जाएगा। मेरे मुख से डायरेक्ट सुना तो शरीर रहती रहते, तो सूक्ष्म शरीर हरी जो ओरिजिनल आत्माएं है वो तो शरीर रहते रहते मेरे मुख से डायरेक्ट सुन ही नहीं पाती। वो तो फिर भी भले सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल होता है, फिर भी बीज रूप आत्माओं के बीज सूक्ष्म शरीर के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाता है। बच्चों को आगे चल के बच्चों को साक्षात्कार होता रहेगा, बच्चों को साक्षात्कार होता रहेगा, भक्त बच्चों को या ज्ञानी बच्चों को? ज्ञानी बच्चों को, ज्ञानी बच्चों को साक्षात्कार होता है। बोला तो ज्ञानी बच्चों को बच्चे बाप के भक्त भी होते हैं और बाप की प्रजा भी होती है और बाप के वारसदार भी होते हैं और बाप के राज्याधिकारी बच्चे भी होते हैं। आप कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं? बाप की प्रजा जो बाप डायनेस्टी स्थापन करते हैं उस डायनेस्टी की प्रजा और भक्तों में जो बाप के भक्त होंगे ज्यादा संख्या किसकी होगी? भक्तों की संख्या बहुत होती है और प्रजा की संख्या बहुत थोड़ी होगी। पहले जन्म की प्रजा और जन्मों की डायनेस्टी के मुकाबले कोई विशेष खासियत वाली होती है, यथा राजा तथा प्रजा पहले जन्म में होगी या और जन्मों में होगी?
पहले जन्म का जैन है, यथा राजा तथा प्रजा। Oh.